खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। क्षत्रिय भवन धर्मशाला रोड पर स्थित क्षत्रिय भवन में जिला प्रशासन व कोरोना योद्धा टीम हरदोई की ओर से आयोजित निशुल्क टीकाकरण कैंप का शुभारंभ धीरेन्द्र सिंह मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फीता काट कर किया गया। मुख्य अतिथि एवं जनपद के टीकाकरण प्रभारी राजेश अग्निहोत्री का पूजा मिश्रा ने तिलक कर कोरोना योद्धा टीम के अखिलेश गुप्ता पंकज सिंह ने बुके भेंट कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कोरोना योद्धा टीम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। टीकाकरण प्रभारी राजेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप 45 वर्ष से ऊपर की महिला पुरुष तथा 18 से 44 वर्ष तक के युवक युवतियों को स्वास्थ्य विभाग एवं कोरोना योद्धाओं के सहयोग से अधिक टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण कैंप में कोरोना योद्धा ग्रुप के अशोक सिंह, लालू नवल किशोर, वैभव कार्तिकेय शुक्ला, एसएस इंस्टीट्यूट की छात्राएं पूजा मिश्रा, सविता देवी शिक्षा विभाग के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, रचना राठौर, सौरभ समेत विद्यार्थी परिषद के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। टीकाकरण का महत्व काफ़ी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको कोरोना से बचना है तो आपको कोविड का वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितना आवश्यक हो जल्दी से जल्दी अपने नंबर का इंतजार करके उसका रजिस्ट्रेशन कराएं और इस महामारी में जो हमारे अग्निशमन ने शुरू किया है उसमें उनका सहयोग। धन्यवाद। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।